मंच पर उपस्थित दलपत जी, कपिल मिश्रा जी, ममता त्रिपाठी जी, विकास पांडे जी, अरुण आनंद जी और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध विद्वज्जन, आज का जो टॉपिक है नक्सल्स एट द डोरस्टेप एंड द डिस्कशन इज गोइंग ऑन हियर इन न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो देन यू हैव टू हैव द टू एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, वन इज नक्सल एंड अदर इज इंडिया. इन माई ओपिनियन देर इज अ स्टार्किंग डाइवर्जेंस इन दीज टू वर्ड्स और इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स. यू विल से हाउ, बिकॉज इफ यू सी द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द लेफ्टेस्ट आइडियोलॉजी इज द लेटेस्ट वन विच हैज इमर्ज इन अराउंड अ सेंचुरी और वन एंड अ हाफ सेंचुरी बैक. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज स्टार्टेड डाइंग वेरी सून ऑल्सो. USSR was created in 1919 and by 1990 it became part of history. एक दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड से लेकर और कंबोडिया, रशिया और चाइना आदि दुनिया लेफ्टिस्ट हो गई थी. पर इन द स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन सब कुछ खत्म हो गया. बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी खत्म भी होने लगे. हाँ, ये बात जरूर है कि अभी कुछ जगहों पर उनके अवशेष रह गए हैं. एक जगह है केरल, एक जगह है मीडिया और एक जगह है JNU. अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा. क्योंकि चाइना तो सिर्फ नाम का कम्युनिस्ट है, आज तो वो कैपिटलिस्टों से भी ज्यादा कैपिटलिस्ट है. अब आप ये कहेंगे कि व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया को समझने के लिए थोड़ा ब्रॉडर स्पैन पे जाना होगा. इफ यू लुक एट ऑल द ग्रेट एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इधर से शुरू करिए तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, फिर इंडियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, ग्रीस की सिविलाइजेशन थी, रोमन एम्पायर था और आज का जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में है इंका, माया, एस्टेक का सिविलाइजेशन था. आज उनमें से कोई भी अपने मूल रूप में नहीं बचा है. जो अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, उन्होंने लिखा था ना, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां. तो साहब, ये कंपैरिजन ये है कि एक ऐसी चीज जो हजारों साल से प्री हिस्टोरिक चली आ रही है और खत्म ही नहीं हुई है, एक ऐसी चीज जो लेटेस्ट शुरू हुई और लेटेस्ट खत्म होने लगी, तो ये कंपैरिजन ही अपने आप में थोड़ा ऑकवर्ड है. मगर कोशिश बहुत की गई. अब मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आता हूं. ये नक्सलिज्म एट द डोरस्टेप और इन द अर्बन एरिया शुरू कहां से हुआ? जो लोग हम लोग से थोड़ा पहले की पीढ़ी वाले हैं उनको जानकारी होगी कि भारत के इतिहास की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी जो 1969 में कांग्रेस के डिवीजन के बाद माइनॉरिटी हो गई, और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करकर किसने बचाया सेंटर में? लेफ्ट पार्टीज ने, कम्युनिस्टों ने. यह तो हमको पता है, बहुत से लोगों को, आज की जनरेशन को शायद नहीं पता होगा. हमारे दिमाग में माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव से शुरू होती है हम लोगों के जमाने में. अब इंदिरा जी के जमाने में जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई और लेफ्टिस्टों ने उसे सपोर्ट करके बचाया, तो उस जमाने में थोड़ा सा मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई आज का जमाना होता तो कहता कोई बढ़िया वाला विभाग दे दो जिसमें कि अच्छा धनोपार्जन हो सके. पर उन्होंने बहुत ही समझदारी और चालाकी से काम लिया. आप देखिए बदले में लेट 60s और अर्ली 70s में हुआ क्या क्या. प्रीपर्स खत्म हुआ, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी यानी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ, कमिटेड जुडिशरी की बात हुई, और फाइनली प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया.
यानी समर्थन के बदले में उन्होंने बहुत कुछ अपना सेटअप बना लिया उन कुछ सालों में। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सब जगह धीरे धीरे आकर स्थापित हो गए। JNU भी उसी दौर में स्थापित हुई, उसमें एक विशिष्ट वर्ग विशिष्ट विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया गया, वैसे ही छात्रों को मोल्ड किया गया जैसा अभी ममता जी ने अपने उद्बोधन में बताया भी। और फिर भारत का पहला जर्नलिज्म की डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट कहां बना? JNU में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब IAS बनना है तो JNU से, जर्नलिस्ट बनना है तो JNU से, प्रोफेसर बनना है तो JNU से, रिसर्चर बनना है तो JNU से। अब उन्होंने पूरे अर्बन सेटअप के ऊपर अपना एक कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे दिमागों में चीजें रखनी शुरू की गई, वो जो सच के बिल्कुल उलट था। क्या कहा गया साहब? नक्सलवाद जो कहता हथियार उठाना, हथियार आदमी मजबूरी में उठाता है, ठीक है साहब, बिल्कुल मान लिया हथियार मजबूरी में उठाता है, हथियार वही उठाता है, आतंकवाद वही पनपता है जहां गरीबी होती है, आतंकवाद वहां पनपता है जहां अशिक्षा होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ओसामा बिन लादन गरीब था क्या? अरबपति था। भारत के तमाम उद्योगपतियों उसकी हैसियत थी, कई उद्योगपतियों को खरीद सकता था, तो क्यों आतंकवाद की तरफ मुड़ गया? तो आपकी थ्योरी का बेस तो लॉजिकल नजर नहीं आता। अगर अशिक्षा से आतंकवाद निकलता है तो 9/11 में जिन लोगों ने जाके अपने प्लेन वहां क्रैश कर दिए, चाहे वो खालिद शेख हो या मोहम्मद अट्टा, ये सब लोग अमेरिका जैसे देश में बहुत हाईली एजुकेटेड थे और एक शानदार जिंदगी जीने का उनके पास मौका था। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार दोनों की बात बहुत हद तक तर्कसंगत नजर नहीं आती, मगर गैर तर्कसंगत बात को भी समझा के रखा जाता है। यह कहा जाता है कि साहब लेफ्ट आइडियोलॉजी कहां से शुरू हुई? जब कैपिटलिज्म ने सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार किया, सप्रेशन किया गया वर्कर क्लास का इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के द्वारा, तब शुरू हुई। आप दुनिया का एक देश बताइए जो इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद कम्युनिस्ट हुआ। जितने देशों के मैंने नाम बताए, ईस्टर्न यूरोप से लेकर रशिया चाइना, सब एग्रेरियन सोसाइटीज थी जो कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब बात तो कुछ समझ में नहीं आती। चलिए, अब आपको लंबे समय शासन करने का मौका मिले, जैसे वेस्ट बंगाल में 33 ईयर्स, आई थिंक इन ए स्पैन ऑफ 33 ईयर्स एनी पार्टी वुड हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द वेस्ट बंगाल इनटू ए मार्क्सिस्ट हेवन। हुआ क्या? ग्रोथ रेट नीचे, अशिक्षा, गरीबी, कलकत्ता जो इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर था वो उसी दरमियान बहुत कुछ अपनी कैपेसिटी खो गया। एग्जैक्टली रिवर्स, 70 साल में USSR को तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए था, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा आज भी लेफ्टिस्ट हैं तो उनको भी बन जाना चाहिए था। आगे कौन बढ़ा? चाइना, जिसने प्रैक्टिकली सब कुछ छोड़ के एकदम उलट स्टैंड ले लिया। तो इससे एक और बात लगती है कि साहब आपकी जो बात है उसमें कुछ दम कम है। अब मैं अगली बात लॉजिक पे आता हूं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। हर आदमी के अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पर अगर आप इतिहास उठा के देखें 20th सेंचुरी में वॉर और इंटरनल जो हुकूमतों के द्वारा मरवाए गए लोग हैं उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है, जिसमें युगांडा के इदी अमीन से लेके, रशिया के स्टालिन से लेके, कंबोडिया के पोलपोट ने लाखों करोड़ों लोगों को मरवाया। वहां अधिकार की बात कहां चली गई? कभी अधिकार की बात आई क्या? अब आप आइए कि अधिकार की बात आती कहां से। ये ह्यूमन राइट्स का विषय सबसे पहले आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, क्योंकि ज्यूज को लाखों की संख्या में मरवाया गया था जर्मनी में, तो पूरी दुनिया में एक आई बात की मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, और दुनिया में इसके ऊपर बड़ी एक सोच शुरू हुई। और जब यूनाइटेड नेशंस बना तो एक ह्यूमन राइट चार्टर बनाने की बात आई, और यह कहा गया कि भाई ह्यूमन राइट होने चाहिए और उसमें यह भी गारंटी होनी चाहिए कि दूसरे के ह्यूमन राइट में कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं हो। मतलब मेरा जीने का हक इस कीमत में नहीं हो सकता कि हम दूसरे को मारकर अपने जीने का हक रखते। तो दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े महापुरुष थे उस समय, सबको चिट्ठियां लिखी गई कि आपकी नजर में 2, 3, 4, 5 जो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हो, पर वो ऐसे ह्यूमन राइट होने चाहिए
विच आर कैपेबल ऑफ एंश्योरिंग एवरीबडी एल्स इज ह्यूमन राइट, वो आप हमें कृपया बता दीजिए। तो चिट्ठी महात्मा गांधी के पास भी आई और महात्मा गांधी का जवाब उसमें सबसे अलग था। महात्मा गांधी ने कहा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वॉन्ट टू एंश्योर एवरीबडी इज ह्यूमन राइट देन इन माई ओपिनियन देर आर नो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी अगर हर एक व्यक्ति के आप अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ मूलभूत कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। अब आप ये सोचिए कि अगर उनकी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी तो वाइस कैसे हो गई। देखिए, बुद्धिमान और विवेकशील होना दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धिमान, मैंने कहा, आतंकवादी और चोर भी होता है, विवेकशील नहीं होता है। और उदाहरण के लिए गांधी जी की माता जी विवेकशील थी। क्यों थी? उसका मूल कारण जानते कहां से आता है? गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। राम की कथा आप सबने सुनी होगी, पूरी की पूरी राम कथा में हर जगह सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति और पत्नी का दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, मित्र के साथ कर्तव्य, सबका कर्तव्य। अधिकार की बात केवल एक जगह आती है, कब? जब केकई ने कहा राजा दशरथ से कि वो जो आपने तीन वरदान दिए थे ना, मुझे अब प्रयोग करने का अधिकार चाहिए। और सारी की सारी समस्या की शुरुआत वहीं से होती है। ये वो मूल कारण था जो गांधी जी की माता जी ने कहा कि इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अर्बन नक्सलिज्म पे भी आता हूं। जब ये लोग बात करते हैं तो बड़ी आकर्षक लगती है। मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो आपको वो बात तथ्यात्मक नहीं लगेगी, दैट थिंग्स विल नॉट लुक सब्सटेंटिव। अब ये बताइए कि अधिकार की बात केकई ने की थी ना, तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? केकई। जो चीज सबसे आकर्षक होती है, विनाश के अक्सर सूत्र उसी में। केकई के की सबसे प्रिय दासी या साथी कौन थी? मंथरा, जिसको कुबड़ी कहा जाता है। सबसे विकृत चीज सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। राम कथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था। मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है। और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है। ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं। आपको एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए। और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं एक और बात कहूंगा ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, इसके फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, लेफ्ट और राइट की जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में है, अब दोनों में एक एक अच्छाई भी है। मैं देखिए किसी जी ने कह रहा हूं सब में बुराई है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वो कहती है कि हम ग्रोथ की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी देते हैं, जितना चाहो उतना ग्रो करो, अरबपति बन जाओ खरबपति बन जाओ कोई समस्या नहीं है। उसका फायदा क्या है? वो आपको मोटिवेशन देती है ग्रो करने का। इसलिए आप देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये सब चीजें इस ढंग की सोसाइटीज में ज्यादा होती हैं। माइनस पॉइंट क्या है साहब? हम रोटी की गारंटी सबको नहीं देते। हमारे यहां कोई भूखा भी होगा, भूखा मरने वाला भी होगा और सड़क पर भीख मांगने वाले भी होंगे। लेफ्ट ये कहता है जी सबको रोटी कपड़ा मकान, रोटी सबको इंश्योर करेंगे मगर ग्रोथ की गारंटी नहीं देंगे। इसलिए जितनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हुए, शुरुआत में एक स्टेज तक जाके ग्रो किए और फिर वो स्टैग्नेशन के शिकार में होकर खत्म हो गए। क्यों? मानव मस्तिष्क का जो मूल स्वभाव है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है,
पर वो हमारा अंतिम आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पूरी होती तब मेरे हमारे मन की अन्य भावनाएं आती हैं और वहां पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्रम्बल कर जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई व्यवस्था जहां पर कि दोनों चीजें हो, यानी ग्रोथ की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी भी हो और हर व्यक्ति के को रोटी कपड़ा मकान भी अवेलेबल हो, वो कहां था? तो उसे भारत में था। कैसे? अगर आप देखें, सिर्फ आज से 50-60 साल पहले हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में बड़ा सेठ वो माना जाता था जिसने बड़े धर्मशाला खुलवाए, प्याऊ खुलवाए, लंगर चलवाए, मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, ना कि बड़ा जिसके पास कैपिटल हो या टर्नओवर हो। सीएसआर पर तो हम आए हैं, अब गवर्नमेंट तो 70 साल पहले आई, इससे पहले धर्मशाला, पौशाला, सड़क बनवाना, तालाब खुदवाना कौन करवाता था? और वही बड़ा माना जाता था। आप देखेंगे वेस्ट में धार्मिक स्थलों में लंगर की परंपरा नहीं है, हमारे यहां है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में हजारों हजारों लोग रोज लंगर खाते हैं, ये उसी विचार का प्रतीक है। अब देखिए एक बात और, अगली बात आती है। उन्होंने कहा जी आदर्श व्यवस्था तो वो है कि जिस व्यक्ति को कि जितनी सामर्थ्य हो वो उतना काम करो, ईमानदारी से उसे उतना हिस्सा मिले। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों कहते हैं नहीं साहब, बेस्ट सिचुएशन ये है, इसमें दोनों लोग लगभग एक मत है कि आई विल वर्क टू द फुलेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड आई शुड बी अलाउड टू गेट द फ्रूट्स। तो उनका सिद्धांत क्या हुआ, अगर एक वाक्य में कहें कि जो कमाएगा वो खाएगा, जो अच्छा कमाए उसको अच्छा खाने का मौका मिले। भारतीय विचार कहता नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय विचार यह कहता है कि जो आया है सो खाएगा, जो आया है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। यह कम्युनिज्म का पीक है। अब आप कहेंगे तो थ्योरेटिकल बात हुई, ऐसा होता कहां है? ऐसा होता है। भारत में समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। परिवार में एक आदमी भी कमाता है तो सबको खिलाता है। अगर चार भाइयों में तीन भाई रोजगार से हैं, एक भाई बेरोजगार है, तो वो मिलकर उसका ध्यान रखते हैं। बेटा बेरोजगार है तो बाप मरते दम तक उसका ध्यान रखता है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो आया है वो खाएगा। अरे भाई आप तो सिर्फ आदमी तक रहे, हमारी ये सोच इतनी व्यापक थी। मैंने कहा ना झूठ के पुलंदे कैसे रखे गए। अगर आप लोगों से बहुत को ध्यान हो तो जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष जिसमें पूर्वजों के लिए किया जाता है, तो उस दिन जिस दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं उस दिन क्या होता है, तीन खाने के हिस्से निकाल के रखे जाते हैं। किसके लिए? एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए। क्यों? हमारे यहां गाय देवतुल्य पशु माना गया है, हाइएस्ट पेडेस्टल पे है। कुत्ते को शमशान का के देवता, भैरों का वाहन माना गया है, एंड ऑफ द लाइफ की तरफ दर्शाता है। और कौवा उस प्रकार की श्रेणी का जंतु है जो कि तमाम गंदगियों को साफ करता है। यानी हम सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमको सबसे डेवलप्ड क्रीचर ऑफ द अर्थ और ऑफ द यूनिवर्स बनाया है तो लोएस्ट से लेके हाइएस्ट तक हर आदमी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, हर जीव जंतु का ख्याल रखना है। वो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिस्टमेटिकली बैठकर आप लोगों के दिमागों में, हम लोगों के दिमागों में दो दो तीन तीन पीढ़ी से ऐसी चीजें बैठाई गई जिसके ठीक उलट थी। एक दो उदाहरण और दूंगा, जैसा अब ये भी ममता जी ने बोला फिल्मों के बारे में, फिल्मों में भी आपने देखा जैसे उन्होंने बताया एक ऐसा सीरियलों में करेक्टर होगा। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपने जितनी हिंदी फिल्में देखी होंगी, भाई मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्म ही देखी है, अन्य भाषाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं है, मगर हर हिंदी फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। यह धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया। हीरो क्या बोलेगा? 60, 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था, पिछले 20 साल से इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलेगा। आप सबने वो गाना सुना होगा, विनोद खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई,
एक उनके ऊपर है जिसको कॉमेडियन गाना माना जाता है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यह गाना क्या माना जाता था? कॉमेडी का। और एग्जैक्टली यही गाना, यही वर्ड्स का गाना, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह अच्छा गाना। और इतना ही नहीं, जी हाल मुस्किन मुगम्बर रंजिस बहार हिजरा में सारा दिल है, इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में आया नहीं। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी, कहां से ले आए, अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया ये कहां ले आए, अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए भैया। अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही, हम कहां जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, केवल 5 वॉवेल और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाइट जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है, एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए, आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है, फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दधना सब दांत से अंतर, पफ पफ मह सब होंठ से, इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो, ये तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है, तो नहीं जी हम तो उसी के साथ चलेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें एक ये समझाया जाता है साइंटिफिक नहीं है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मान लिया साहब बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अभी एक विवाद आ गया था, उस विवाद पर नहीं जाना चाहता, जब वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं, कुंभ मेले का एक आस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है, बृहस्पत ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है, हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पत की साइकिल 12 साल की है, इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पत की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है, किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था, सॉरी 1916 में, 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है, 5100 साल, मतलब ये लॉजिक नहीं है।
ये तो साइंटिफिक, फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा वो सब हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, गाय के गोबर से कोई खेती होती, आदमी चांद पहुंच गया तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। 50 साल पहले क्या कहते थे, अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, नीम हकीम खतरा है जान, खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन मेटासिन टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जनेरो से लेके 2009 के कोपेनहेगन से लेके 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है, जो हमने कहा जिसका आपने मजाक उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ, संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त हो गया। इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं, एक यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए, और दूसरा है कि मोबाइल पर डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए। क्यों, आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा, सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र, दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे, उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी, काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए, ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में, ना कि इसमें मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया, उसने कहा ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया, एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले जाई है, ना चाहे भगत रैदासा। मना कर दिया। रैदास जी क्या थे, वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। अब आप आइए, संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उन्होंने, उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा, उनके बेटे का नाम था कमाल, उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरिका भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया, आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी, आज के हिसाब से फॉरवर्ड
और उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सब लुटायो। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं देखा। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्प्रेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे। फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से कहा जाता, अकबर उनके पास गए, अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने में मनसबदारी एक रैंक होती थी, तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वॉज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया, हम तो सेवक राम के, हियो धरे दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है, तुलसी का अब होएंगे नरके मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया, जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था, मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान होगा। इसीलिए हमारे यहां महात्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू महान। तो इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो मायावी रावण साधु का वेश बना के आता है, सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझिए और आश्वस्त रहिए कि वो चाहे कितना भी मायावी हो, अंत में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन है। जैसा अभी नलपत जी ने कहा ना कि भाई पीपल लाइक अस वी आर इन माइनॉरिटी, हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है मगर यह अर्ध सत्य है, हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस बीच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।